नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल रिव्यू हाउस में। भारतीय इतिहास के पृष्ठभूमि में एक नाम एग्जिस्ट करता है जिसे बहुत ही विस्पर और डिसबिलीफ के साथ लिया जाता है। वो नाम है नटवरलाल। एक व्यक्ति जिसके जीवन की कहानी धोखे और साहस की एक मंत्रमुग्ध कर देने वाली गाथा की तरह है। नटवरलाल एक ऐसा नाम जो डरावनी कारनामों और अतुलनीय चालाकी के साथ जुड़ा है। उसकी रहस्यमय व्यक्तित्व और चालाकी भरी आकर्षण ने उसे भारत के सबसे प्रसिद्ध धोखेबाज बनने का मार्ग दिखाया। यह व्लॉग मेरे दोस्तों इतिहास की सिर्फ एक झलक नहीं है, यह व्लॉग नटवरलाल के असाधारण जीवन के गहरे अध्याय में डूबने का एक प्रयास है। हम उसके रहस्यमय रूप की परती उधेड़ेंगे, उसकी डेयरिंग उड़ानों को खोजेंगे जिसने राष्ट्र को मोहित कर दिया था। अपने आप को तैयार करें क्योंकि हम नटवरलाल के जीवन के जटिल जाल में सफर करेंगे। उनके उदाहरण केवल धोखे नहीं थे, वे उनकी प्रतिभा और अनुपम धोखाधड़ी की एक प्रमाण हुए। ताजमहल को बेचने से लेकर सरकारी अधिकारियों को यह कहकर धोखा देना कि वह संसद भवन के मालिक है, नटवरलाल के दुस्साहस की कोई सीमा नहीं थी। उसकी चालाकी भरी प्रतिभा ने धोखेबाजी भरे इतिहास के पन्नों पर अविनाशी प्रभाव डाला। पुलिस से भागते हुए उनकी पकड़ से बचने की उसकी कुशलता ने एक जबरदस्त नाम बनाया था। उसका जीवन कानूनी प्राधिकरणों के साथ एक जटिल नृत्य बन गया था जिसमें वो बार बार पुलिस के हाथों से बच निकलता था। लेकिन उसके धोखाधड़ी के धुंधले पर्दे के पीछे की एक कहानी है जो आज भी लोगों को आकर्षित और आश्चर्यजनक बनाती है। नटवरलाल की विरासत वास्तविकता से परे है और राष्ट्र की लोक कथाओं में जगह बना लेती है। तो मुझसे जुड़िए इस रोचक यात्रा में जहां हम एक पहेली को सुलझाते हुए नटवरलाल के जीवन, धोखेबाजी और उनकी बाकी विरासत की ओर आगे बढ़ेंगे जो धोखाधड़ी और साहस का परिपूर्ण उदाहरण है। नटवरलाल का असली नाम मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव था और उसका जन्म बिहार के सिवान जिले के बंगड़ा गांव में हुआ था। वह दो भाइयों में बड़ा था और उसके पिता एक स्टेशन मास्टर थे। नटवरलाल को पहली बार अपनी जालसाजी करने की क्षमता का पता तब चला जब एक पड़ोसी ने उसे अपना बैंक ड्राफ्ट जमा करने के लिए भेजा। यह महसूस करते हुए कि वह आसानी से अपने पड़ोसी के जाली सिग्नेचर कर सकता है, तो अपने पड़ोसी के नोटिस करने से पहले ही उसने अपने पड़ोसी के खाते से 1,000 रुपये निकालने में कामयाब रहा। इस घटना के बाद नटवरलाल कलकत्ता भाग गया और वहां एक कैजुअल स्टॉक ब्रोकर के रूप में काम करते हुए एक कॉमर्स की डिग्री के लिए एज ए स्टूडेंट एडमिशन लिया। उसने वहां कपड़े का व्यवसाय स्थापित करने की भी कोशिश की लेकिन असफल रहा।
कथित तौर पर नटवर लाल अपने पैतृक गांव बंगरा में रॉबिनहुड जैसा व्यक्ति था। ऐसा कहा जाता है कि उसने अपनी कमाई कम भाग्यशाली लोगों को दे दी थी। उनके विपक्ष की कहानियां जो अहिंसक थी और केवल अमीरों और धनी लोगों को लक्षित करती थी, इन कहानियों ने उसे बहुत लोकप्रिय बना दिया था। सिवान शहर के एक निवासी के अनुसार जब नटवरलाल आता था तो उसकी उपस्थिति में बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा होती थी। एक कथित उदाहरण में नटवरलाल अपनी लूट का उपयोग करके गांव में सभी के लिए एक बड़ी दावत की मेजबानी करने के लिए बंगड़ा गया था। दावत के दौरान गायब होने से पहले उसने प्रत्येक गरीब ग्रामीण को 100 रुपए दिए और इन सब हरकतों ने उसे अपने गांव में काफी फेमस बना दिया और रॉबिनहुड का खिताब दिया। नटवरलाल का नाम ही धोखेबाजी के जगत में एक रोमांचक किस्से की याद दिलाता है। वह कानून की चुंगल से बच निकलने में माहिर था। धोखेबाजी के अपने हुनर से उसने अधिकारियों को हैरान कर दिया और अमीरों से उनकी दौलत को ठग लिया। उसके कुछ कारनामे तो काल्पनिक से भी आगे थे, जिसकी वजह से उसे द इंडियन हॉडिनी का खिताब मिला और भारतीय लोक कथाओं में उसका नाम हमेशा के लिए दर्ज हो गया। वैसे तो उसने जिंदगी में कई सारे कारनामे किए थे, जिनके बारे में अगर हम एक ब्लॉग में बात करें तो शायद ब्लॉग एक मूवी से भी लंबा खींच जाए। इसलिए हम बात करते हैं उसके किए हुए कुछ फेमस किस्से के बारे में, जिनमें सबसे पहला आता है ताजमहल की बिक्री। ये साहसिक धोखाधड़ी शायद नटवरलाल के कारनामों में सबसे प्रसिद्ध है। उसने कथित तौर पर एक विदेशी पर्यटक को विश्वास दिलाया कि वह एक उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारी है जिसे स्मारकों को बेचने का अधिकार है। जाली दस्तावेजों और अत्यधिक आत्मविश्वास के साथ उसने पर्यटक को ताजमहल बेच दिया और इस प्रक्रिया में एक मोटी रकम हासिल कर ली। हालांकि वास्तविक बिक्री कभी नहीं हुई, लेकिन यह कहानी नटवरलाल की दुष्टता और लोगों को धोखा देने की क्षमता का प्रमाण है। दूसरी सबसे फेमस कहानी है जिसमें उसने संसद भवन और सांसदों को बेच दिया। नटवरलाल की महत्वाकांक्षा भारतीय लोकतंत्र के दिल तक पहुंची। उसने कथित तौर पर संसद भवन को ही बेच दिया, साथ ही पैकेज के हिस्से के रूप में सांसदों को भी। हालांकि यह जो विवरण है थोड़ा सा अस्पष्ट है, मतलब अभी तक उतनी क्लैरिफिकेशन मिली नहीं है, लेकिन इस तरह की योजना की सरासर दृष्टता किसी को भी चकित कर देती है। नटवरलाल जालसाजी का भी मास्टर था। नटवरलाल की सफलता का एक प्रमुख तत्व जालसाजी में उसकी महारत थी। वह सरकारी अधिकारियों, उद्योगपतियों, यहां तक कि फेमस सेलिब्रिटीज की भी सिग्नेचर को एग्जैक्टली रेप्लिकेट कर सकता था। इसने उसे नकली दस्तावेज बनाने की हिम्मत दी, जिसने उसकी धोखाधड़ी को एक वैधता प्रदान की, जिसकी वजह से अधिकारियों के लिए उसे पकड़ना और भी कठिन हो गया। गायब होने का खेल। नटवरलाल जेल से भागने के लिए भी कुख्यात था। वह एक बार जेल के गार्ड के रूप में छिपकर सबके सामने से गेट से बाहर चला गया। एक अन्य अवसर पर उसने कथित तौर पर अपने गार्डों को नशीला पदार्थ दिया और खिड़की से फिसल कर बाहर निकल गया। उसके इन
और दिनी शैली के पलायनों में उसकी कहानियों को और मजबूत किया और उसके रहस्य को और आगे बढ़ाया। अपनी चालाकी के बावजूद नटवरलाल का भाग्य अंततः खत्म हुआ। उसे कई बार गिरफ्तार किया गया और जेल में डाला गया। उसने अपने जीवन के आखिरी कुछ साल सलाखों के पीछे बिताए। अपने पीछे साहसिक धोखाधड़ी की एक विरासत और एक ऐसा जीवन छोड़ा जो आज भी लोगों को मोहित करता है। नटवरलाल की कहानी लालच और धोखे की एक शिक्षाप्रद कहानी है। यह हमें अंधे विश्वास के खतरों और सूचनाओं को सत्यापित करने की महत्व की याद दिलाता है, लेकिन यह हमें मानवीय क्षमता की भी याद दिलाता है। भले ही इसका इस्तेमाल नापाक उद्देश्यों के लिए किया गया हो, उसके कारना में साहसी और खतरनाक दोनों थे, जिससे हमें आश्चर्य होता है कि वह एक प्रतिभाशाली अपराधी था या केवल एक ठग था जिसमें नाटकीयता का गुण था। नटवरलाल के हाई प्रोफाइल अपराधों के कारण उसे अक्सर बड़ी सजाएं मिली। जेल में उसकी सजा लगातार बढ़ती गई। अकेले बिहार में नटवरलाल पर जालसाजी के 14 मामलों पर आरोप लगा और उसे 113 साल सशक्त कारावास की सजा सुनाई गई। नटवरलाल को 9 या 10 बार गिरफ्तार किया गया, लेकिन इनमें से अधिकांश बार वह भागने में सफल रहा। उसके भागने के तरीके अक्सर बहुत चालाकी भरे होते थे। फॉर एग्जाम्पल, 1957 में नटवरलाल तस्करी करके लाई गई पुलिस की वर्दी पहनकर अपने सेल गार्डों को पैसों से भरे सूटकेस के साथ रिश्वत देकर फिर सामने के गेट से बाहर निकल जाता था और गार्डों को पार करके उन्हें सलाम करता था। गार्डों को लगता था इसमें पैसे थे, लेकिन सूटकेस में वास्तव में न्यूज़पेपर्स थे। उसकी बार बार भागने के कारण ऐसा माना जाता है कि उसने अपने जीवन के दौरान केवल 20 साल जेल में बिताए। आखिरी बार नटवरलाल को 1996 में 84 ईयर्स की उम्र एज में गिरफ्तार किया था। अपनी एज का और अपने बुढ़ापे और व्हीलचेयर पे होने के बावजूद वह फिर से पुलिस से बचकर भागने में सफल रहा और अधिकारियों द्वारा उसे आखिरी बार 24 जून 1996 को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर देखा गया था। इलाज के लिए पुलिस द्वारा उसे कानपुर जेल से एम्स नई दिल्ली ले जाया जा रहा था, जब वह पुलिस से बचकर फिर से भाग गया। इसके बाद उसे फिर कभी भी किसी ने नहीं देखा। उसके वकील के अनुसार उसकी मौत 25 जुलाई 2009 को रांची में हुई, लेकिन उसके छोटे भाई का कहना है कि उसे 1996 में ही जला दिया गया था। इसी कारण से उसकी एग्जैक्ट डेथ कब हुई इसके बारे में किसी को पता नहीं है। आज भी सिवान जिला की बांगड़ा गांव के लोग इस चीज को लेकर काफी प्राइड फील करते हैं कि नटवरलाल उनके गांव से बिलोंग करता था। नटवरलाल इतना फेमस भी हुआ कि उसके नाम से बॉलीवुड में दो फिल्में भी बनी। एक थी जिसमें अमिताभ बच्चन ने एक्टिंग की थी और मूवी का नाम था
मिस्टर नटवरलाल और दूसरी थी इमरान हाशमी की फिल्म जिसका नाम था राजा नटवरलाल। दो ये दोनों मूवीज उनके नाम से इंस्पायर्ड थी और धोखाधड़ी के ऊपर बनी थी। लेकिन ये बात भी सच है कि नटवरलाल जैसा कॉनमैन या जालसाज इंडिया में दोबारा नहीं हुआ। सो दोस्तों, क्या आपको ये व्लॉग पसंद आया? अगर हाँ तो आप इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। हम आपके प्यार और सपोर्ट के लिए बेहद आभारी हैं। आपके हर एक शेयर हमें और अच्छा कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो देर किस बात की है, अभी शेयर करें और हमें बताएं कि आप इस ब्लॉग के बारे में क्या सोचते हैं। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। हमें यह जानना बहुत अच्छा लगेगा कि आपको यह ब्लॉग कैसा लगा और आप भविष्य में किस तरह का कंटेंट देखना चाहते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें। हम हर हफ्ते एक नया वीडियो लाने का कोशिश करते हैं, इसलिए आप किसी भी एक्शन को मिस नहीं करना चाहेंगे। थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके बिना यह संभव नहीं हो सकता। थैंक्स फॉर वॉचिंग और जल्दी ही मिलते हैं एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर।